हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टेनिस ब्रेसलेट बनाएंगे। इसके लेंथ लेते हैं हम 7.5 इंच। तो पहले मेजरमेंट कैसे लेंगे? 1 इंच इक्वल टू आपका होता है 25.4। तो 7.5 इंच यानी 25.4 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ये आपका हो गया 190.5। तो इसका टॉप व्यू में लेंथ लेंगे मिड फ्रॉम 0 इंटर 190.5 बाई 2। ये हो गया आपका ब्रेसलेट का लेंथ। ठीक है, हाइट किया। अभी कॉलेट बनाएंगे। समझे, हम 4 mm का कॉलेट ले रहे हैं। सर्किल 0 इंटर 4 mm। इसको बाहर 0.1, अंदर 0.1। अंदर का जो 0.1 लेते हैं ना, ये आपका फॉर्म इंटरसेक्शन के लिए है। ठीक है, इसका आप मेटल बनाएंगे 0.8 का ऑफसेट। -0.8 एक्सट्रूड किया। ठीक है, अभी लिंकिंग के लिए नीचे कितना रखा है? हम लिंकिंग के लिए लेंगे 0.6, 0.7, सॉरी 0.6 का ताना का वायर रखेंगे। 0 इंटर 0.6 बाई 0.7। ये हो गया। ये आपका हाइट है आपका 0.7 और टॉप से आपका पॉइंट सॉरी हाइट है 0.6, टॉप से आपका 0.7। इसको 5.5-6 mm तक आप लंबाई रखें। 5.5। ठीक है, अभी इसका प्लेस कहाँ पे होगा? जस्ट नीचे। अब यहाँ से आपका जॉइनिंग के लिए 0.6 रखा है। 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6, 1.8। ये आपका जॉइनिंग के लिए हाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसको कॉपी किया, -1.8। ठीक है, इसको अब एक्सट्रूड किया ऊपर के साइड में 0.8। तो ये अभी 4 प्रॉन्ग लगाना है। तो इसमें हम मिरेकल प्लेट लगाते हैं। मिरेकल प्लेट मेरा रेडी है, मैं वही फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ। 4 mm का लेना है, ये बड़ा साइज है। इसको 4 mm के हिसाब से हम छोटा कर लेते हैं। मैं दूसरा कोई वीडियो में आपको मिरेकल प्लेट बनाना दिखाऊंगा। ये मिरेकल प्लेट एक्चुअली फाइंडिंग आता है, ये रेडीमेड मिलता है। अब ये 4 mm का मिरेकल प्लेट है, तो इसमें डायमंड कितना साइज बैठेगा? ये जो होता है ना आपका 4 mm का, अगर मिरेकल प्लेट होता है तो 60% आपका डायमंड साइज रहता है। कोई भी मिरेकल प्लेट का साइज का 60% डायमंड साइज रहता है। तो 4 mm का 60% होता है आपका 2.4। कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। तो 2.4 का डायमंड, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो गुड, अभी 4 प्रॉन्ग लगाना है। मैंने इंटरसेक्शन के लिए 0.1 प्रॉन्ग, हमेशा 0.1 अंदर रहना चाहिए। ऊपर फिलेट, ये हो गया आपका प्रॉन्ग। रोटेट किया, हो गया आपका कॉलेट। अब ये आपको पैक करना है लिंकिंग के लिए। एक्सट्रैक्ट कॉपी किया, इसको पैक किया। मिरर
का लिंकिंग का बनाएंगे, ये बोथ साइड कटना है, बुलियन डिफरेंस, ऑपोजिट साइड भी ड्रिल करना है, ये साइड में बुलियन डिफरेंस, ठीक है, ऐसा रहता है, इसको डिलीट, ये मैं अलग कलर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये हो गया मेरा लिंक, ब्रेसलेट का लिंक, इसको ग्रुप कर देते हैं। अभी जो मेरा ब्रेसलेट का लेंथ था उसको अनाइट की, इसको टू पीस में डिवाइड कर देते हैं, काट दे स्प्लिट। ये देखिए दो पार्ट हो गया। अभी क्वालिटी को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म एरे एलोंग कर, कितना क्वांटिटी होगा, सिलेक्ट पाथ कर, ये है मेरा पाथ कर है। तो डिस्टेंस बिटवीन आइटम, मैंने 4 mm का कॉलेट लिया, तो ये डिस्टेंस देखिए, पहले ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेना, ये डिस्टेंस कितना है, ये मेरा है 4.2। तो ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व सिलेक्ट पाथ कर्व, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये 4.2, ओके। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन भी, ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व 4.2। ये हो गया आपका ब्रेसलेट का लेंथ के हिसाब से, आपका कितना क्वालिटी का अरेंजमेंट है, कितना आया 45 आपका लिंक बैठेगा। अभी इसमें से आपको जीबी बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए दो लिंक लेते हैं। जीबी बॉक्स देखने का मिनिमम 6 mm होना चाहिए, 6-8 mm तक होता है बॉक्स का लेंथ, 8.5 है तो 10 mm में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये मुझे जरूरत नहीं, इसको डिलीट करते हैं। नीचे वाला पार्ट का जरूरत नहीं है, इसको हम बुलियन डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को इसका बॉर्डर लेना है, तो क्या करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स है आपका, एनालाइज में है बाउंडिंग बॉक्स, एक्स्ट्रा कॉपी, ये डुप्लीकेट बॉर्डर, ये ऊपर है तो प्रोजेक्ट टू सी प्लेट, ठीक है। इसको ये लेंथ हमें सिर्फ 1.5 mm बड़ा रखना, 1.5 mm से 2 mm, ये आपका बॉक्स का लेंथ होगा, ठीक है। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, माइनस 0.7, 0.7 रखेगा चलेगा, 0.8 भी आप रख सकते हैं। ये जो गैप है माइनस 1.4 मैं रख रहा हूँ, 1.5 भी रख सकते हो आप, सपोर्ट डालना है 0.8, इसको मिरर मार देते हैं, ठीक है। और ये देखो बीच में एक कॉपी रखते हैं, साइड एक सपोर्ट डाल, ये वाला सीट का यहाँ पे थिकनेस थोड़ा मोटा रखना, प्रोडक्शन के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको, इसका गैप बंद करते हैं, माइनस 0.7, ये मैं दिखाता हूँ क्लिपर में, तो पहले 0.8,
ठीक है। अभी यहाँ पे ये पार्ट वन में कट दो, कट मार कट ना, क्योंकि प्रोडक्शन में नहीं तो कट मारने के लिए ये यहाँ पे माछी घुसते हैं। अगर कैट से इम्प्रेशन दे रहे हैं ना तो प्रोडक्शन में अच्छी रहती है। हमेशा ये ध्यान रखना ये डायमंड का टिक ना नीचे से ना आए, ये अगर नीचे आएगा ना डायमंड का टिक तो ये जीबी पे टच होगा। ड्रिल करना है, साइड भी आपको पैक करने है लिंकिंग के लिए। ये हो गया आपका बॉक्स पार्ट। जी पार्ट इसको ही कॉपी कर लेंगे जी पार्ट बनाने के लिए। पार्ट एक कॉलर में हो जाएगा, जरूरत नहीं है दो पार्ट में। पीस भी बना सकते हो टू डी लेके, जैसे मेरे पास दो पीस हुआ वन पीस भी बना सकते हो। पॉइंट एट तक ओपन रखना, ये पार्ट में आपका जीबी सोल्डर होगी। ये साइड भी पैक रहेगा लिंकिंग के लिए। ये हो गया आपका जीबी बॉक्स। ठीक है, अभी इसको लिंकिंग के लिए आपको पोजीशन करना है, क्योंकि डाउन है इसको, इसका बेस लेवल कर लेना कभी भी। रिमूव फ्रॉम ग्रुप कॉपी, इसको कॉपी, बूलियन डिफरेंस
से रहता है आपका जी मैक्स। अब इसमें से टिपिन के लिए पोजीशन देना है, तो मेरा लाइब्रेरी में बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साइड में बॉक्स पार्ट में आपका बीट्स रहेगा, और जो छोटा वाला पार्ट है जिसमें जीपी सोल्डर रहेगा उसमें आपका हिंज रहेगा। इसको बोथ साइड मिरर हो गया आपका जीबी बॉक्स। इसका जीबी टॉप से आता है, साइड से भी जीबी होता है, उसका मैं आपको दूसरा वीडियो में दिखा दूंगा। लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं, 190.5 था, क्लिक कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका ब्रेसलेट। ये जो पार्ट है, ये पार्ट लेफ्ट साइड में रहता है, बॉक्स वाला पार्ट ये यहाँ पे ज्वाइन रहता है, और जो जीबी पार्ट है वो राइट साइड में ज्वाइन रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड फॉलो कर देना।